उत्तर प्रदेश के कौसाम्बी जिले के गोबर सहाई गांव में दो दिन पहले किसान दंपति को बंधक बनाकर महिला की बर्बरता पूर्वक हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों के शक के चलते पति ने ही अपनी पत्नी के कत्ल की नापाक साजिश रचते हुए उसका गला घोटकर हमेशा के लिए मौत के घाट उतारा था। मंजनपुर कोतवाली इलाके के गोबर सहाई गाँव में गुरुवार की सुबह खेत में महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया था। वहीं महिला के शव से थोड़ी ही दूरी पर पति रामबरन घायल अवस्था में बंधक बना पड़ा हुआ था। पूछताछ के दौरान आरोपी पति रामबरन ने पुलिस को बताया था कि भोर में जब वह अपने पत्नी के साथ खेत में धान की मड़ाई कर रहा था, तभी चार नकाबपोश बदमाशों ने उन्हें बंधक बनाकर पिटाई की थी और पत्नी की गला घोटकर हत्या कर दी थी। इस पूरे मामले में जब पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो कातिल पति की कत्ल की दास्तां पुलिस के सामने आ गई। कातिल पति की कत्ल की नापाक साजिश का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी अशोक कुमार ने बताया कि तफ्तीश के दौरान पुलिस को अहम क्लू मिलने पर जब आरोपी पति को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपने इकबालिया जुर्म की कबूलदारी की। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों के शक के चलते आरोपी पति रामबरन ने ही अपनी पत्नी सरिता देवी की कत्ल की साजिश स्वयं रची थी, जिसके बाद खेत में धान की मड़ाई के दौरान उसने पत्नी का गला घोटकर हत्या कर दी और अपने हाथ पैर को मामूली रूप से बांधकर खुद खेत में ही पड़ा रहा। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए आरोपी पति रामबरन को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। पेश है कौसाम्बी के संवाददाता राम किशन की खास रिपोर्ट। थाना मंजनपुर के गोबर सहाय गाँव में एक महिला की कल रात में हत्या हो गई थी और इस पर उसके पति ने आरोप लगाया था कि चार लोग आए और उसका हाथ पैर बांध दिए और उसकी पत्नी की हत्या कर दी है। जब मौके की जांच की गई तो यह घटना संदिग्ध प्रतीत हुई और इसको जो है इस पर टीमें लगाई गई और उन्हें यह चीज़ का प्रकार वर्कआउट किया गया कि महिला के पति ने ही महिला की हत्या कर दी थी और पति ने स्वयं अपने हाथ बांध के उस घटना को दूसरा स्वरूप देने की कोशिश किया। इसमें महिला के पिता ने दहेज हत्या का आरोप लगाया था, इसमें जो सही वर्कआउट करके इसको 302 में KIPC में तरमीम करके वहाँ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। क्यों उसके पति ने हत्या की है? पुलिस के तफ्तीश के दौरान क्या बातें सामने आई? अभी तक ये तफ्तीश से ये जानकारी मिली है कि इसको महिला के पति को अवैध संबंधों का शक था और उसके कारण इसने हत्या की है। अभी इस चीजों को और डेवलप किया जा रहा है और आगे जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई।